दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा था और झगड़े को देखने के बाद पिताजी जोर जोर से हंस रहे थे। झगड़ा किस चीज को लेकर हो रहा था? झगड़ा इस चीज को लेकर हो रहा था कि चार बेडरूम का मकान था उसको लेकर झगड़ा हो रहा था, यानी कि प्रॉपर्टी का विवाद था। पिताजी को जोर जोर से हंसता हुआ देखने के बाद दोनों भाई बोलते कि पिताजी आपको क्या हो गया है, हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। तो पिताजी बोलते कि तुम इसके चक्कर में पड़े हो, कल मैं तुमको अनमोल खजाना दिखाता हूँ, मेरे साथ में चलना, छुट्टी लेना और मेरे साथ चलना। दोनों भाई छुट्टी लेते हैं। अगले दिन वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं बस का सफ़र करने के लिए। जैसे वो बस में चढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ दो ही सीट खाली थी। पिताजी बैठ जाते हैं, पिताजी के बगल में एक लड़का बैठ जाता है, थोड़ी देर के बाद में दूसरा बैठ जाता है। किसी तरह से एडजस्ट करने के बाद 8-10 घंटे का सफ़र करने के बाद वो लोग गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचने के बाद पिताजी उनको पुरानी हवेली लेके जाते हैं और हवेली को देखने के बाद पिताजी इमोशनल हो जाते हैं। देखते क्या है कि वो हवेली खंडर बन चुकी है, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, झाड़ियाँ उगाई हैं, घास उगाई है। हवेली को देखने के बाद पिताजी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और रोते हुए वो अपने दोनों बेटे से बोलते हैं कि ये हवेली देख रहे हो, इस हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई लड़ी, झगड़ा कर लिया, मरने और मारने पर उतारू हो गया जिस तरह से तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। आज ये हवेली तो मुझे मिल गई लेकिन भैया विदेश चले गए, मुझसे बोले कि ये हवेली तू रख और रिश्ता ख़त्म। मैंने अपने भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में और आज ये हवेली खंडर बन चुकी है। अगर तुम दोनों भी आपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो ज़मीन तो खंडर हो जाएगी, मकान तो खंडर हो जाएंगे, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। फिर पिताजी बोलते हैं कि जिस बस की सीट पर हम लोग बैठ के आए हैं क्या वो जीवन भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? दोनों भाई बोलते कि पापा कैसी बातें कर रहे हैं, बस में सवारियां बदलती रहती हैं। पिताजी बोलते हैं कि बस यही लाइफ है, सवारियां बदलती रहेंगी। जो चीज़ हमें थोड़ी सी देर के लिए मिली है उसके लिए झगड़ना बंद करो, जो चीज़ हमको थोड़ी सी देर के लिए मिली है उसके लिए झगड़ना बंद करो, खुश रहिए, मिलजुल के रहिए, हमेशा के लिए साथ रहिए, पैसे के पीछे नहीं, प्रॉपर्टी के पीछे नहीं, रिश्ते के पीछे भागिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।